अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू मदीहास कुक बुक। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी फैमिलीज कैसे गेट टुगेदर होती हैं और ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं। ये देखिए जी, ये एक प्ले सेंटर का एरिया है जहाँ डिफरेंट इवेंट्स करवाए जाते हैं। बर्थडे पार्टीज, ईद मिलन पार्टीज के लिए ये जगह बुक करवाई जाती है, तो आज हमने ये जगह ईद मिलन पार्टी के लिए ये अभी एरिया खाली है, यहाँ फैमिलीज आना अभी स्टार्ट हो जाएंगी। हम यहाँ सबसे पहले पहुँचे हैं तो मैं आप लोगों को एरिया दिखा रही हूँ। यहाँ देखें जी, ये फैमिलीज की बैठने की जगह है। यहाँ टेबल चेयर्स लगी हुई हैं और इसके सामने ही बच्चों का प्ले एरिया है जो बहुत ज़बरदस्त सा बना हुआ है। यहाँ पे बच्चे इंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और ईद इंजॉय करते हैं। हमने रात 6 to 10 तक ये एरिया बुक करवाया है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे यहाँ इंगेज रहते हैं, खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और बड़े जो हैं वो आपस में बातें कर लेते हैं। और आज ईद मिलन पार्टी का जो डिनर है ये हम सब फैमिलीज ने मिल के कॉन्ट्रीब्यूट किया है और ये खाना जो है ये बाहर से बनवाया गया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें जी, ये नान है और मज़ेदार सी चिकन बिरयानी है, साथ ही मटन कोरमा है, ये ड्रिंक्स हैं साथ ही, और डिफरेंट किस्म के सैलड्स हैं, क्रीमी सैलड है, रशियन सैलड है और पास्ता है। चलिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। प्ले एरिया में चलते हैं। ये देखिए जी, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं और बच्चों ने बहुत प्यारे से ईद के ड्रेसेस पहने हुए हैं। ये देखिए जी, ये बच्चियाँ खेल रही हैं और ये बड़ा प्यारा सा प्ले एरिया है। ऐसे इवेंट्स में आप अपनी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपकी फैमिलीज़ आपसे दूर होती हैं तो यहाँ ईद बकरीद पर हम जो फैमिलीज़ हैं आपस में गेट टुगेदर कर लेती हैं, तो इस तरह से ईद भी बहुत अच्छी गुजरती है और बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। ईद मिलन पार्टी की एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।